नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल इंडिया नेशन में। कितना बड़ा राकेश टिकैत का कारोबार शायद आप देख चुके हैं। 80 करोड़ का मालिक राकेश टिकैत, दीप सिद्धू भी वैसे, लेकिन दीप सिद्धू ठोका जा चुका है। लेकिन कई किसान नेताओं की हत्या कराने वाला राकेश टिकैत अभी भी खुले मंच से घूम रहा है। हम आपको सीधा जोड़ने की कोशिश करेंगे किसान आंदोलन से, और आप भी देखिएगा कि समय कितनी भगदड़ मच चुकी है किसान आंदोलन में। यहां तक कि कुछ किसान बोरी बिस्तर के साथ वापस भी लौट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि राकेश टिकैत एक कितना बड़ा मक्कार, देशद्रोही, गद्दार इंसान है। ये हकीकत सबके सामने आ चुकी है, और लाइव टीवी शो में राकेश टिकैत किस तरह से गिड़गिड़ाता है उसकी भी वीडियो जब किसान आंदोलन में पहुंची है तो कई किसान बोरी बिस्तर बांध चुके हैं। हम आपको पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से किसान आंदोलन में भगदड़ मच चुकी है, क्योंकि राकेश टिकैत का जब सच्चाई सामने आई है तो कई किसान नाराज हो चुके हैं, क्योंकि वो 80 करोड़ के मालिक किसान नहीं है, वो गरीब किसान है। और अब उनकी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि वो आंदोलन में बैठकर अपने घर का खर्चा चला सके, इसीलिए कई किसानों ने यू टर्न मार दिया है। अब राकेश टिकैत क्या फिर रोएंगे? ये बड़ी बात है कि राकेश टिकैत फिर से रोने लगेंगे, क्योंकि उनके घड़ियाली आंसू निकालने से ही जिस तरह से कुछ लोग वापस आ चुके थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दीप सिद्धू ठोका जा चुका है। दीप सिद्धू इस समय जेल में है और पूछताछ भी की जा रही है, और शायद 80 करोड़ का खुलासा दीप सिद्धू ने ही किया हो कि राकेश टिकैत कोई मामूली इंसान नहीं है, वो 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़ का मालिक है। और आज जब हकीकत सामने आई है, और दीप सिद्धू का आपने वो बयान सुना था और हमने ही सुनाया था आपको, जिसमें दीप सिद्धू ने कहा था कि अगर मुझे कोई गद्दार कहेगा तो मैं किसान आंदोलन की साली फोल खोल दूंगा और बड़े बड़े नेताओं को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। आज ऐसा ही कुछ प्रतीत हुआ है, आज ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला किसान आंदोलन से। हम चाहते हैं आप लाइव जुड़े किसान आंदोलन में और देखें कि राकेश टिकैत की संपत्ति का खुलासा, देश के 4 राज्यों के 13 शहरों में संपत्ति, उसने लाखों करोड़ों का कारोबार फैला कर रखा है। लेकिन जैसे ही ये सच्चाई दुनिया के सामने आई, राकेश टिकैत खुद सदमे में हो गए हैं। और मैं आपको इंटरनल बातें बता दूं कि इस समय राकेश टिकैत कुछ भी संभाल नहीं पा रहे हैं, राकेश टिकैत कुछ नहीं संभाल पा रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और इस बात का उन्हें डर है कि कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी जमीन को नपुआ न ले, और सच्चाई क्या है वो दुनिया के सामने आ क्यों न जाए। लेकिन इसी बात में आपको बता दूं कि भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत खुद को किसानों का नेता कहते हैं, उन किसानों की हक की लड़ाई का दावा करते हैं जिनकी जिंदगी कर्ज तले दबी होती है। कई तो इसी बोझ में दबकर खुदकुशी कर लेते हैं, कई जहर खा लेते हैं, मर जाते हैं, फांसी पे लटक जाते हैं। शायद राकेश टिकैत को इस बात का कोई गम नहीं होगा, कोई मरे या जिए। लेकिन सच्चाई यही है, किसान आंदोलन की हकीकत यही है कि करोड़ों का मालिक आज एक किसान आंदोलन का, गरीब किसानों के आंदोलन का संचालन कर रहा है और अपने आप को गरीब साबित कराने में लगा है। लेकिन हकीकत यही है कि वो गरीब नहीं बल्कि अमीर है। बता दूं आपको, हमने आपको कल ही बताया था कि किसानों की औसत कमाई सिर्फ एक महीने में 6400 रुपये है, लेकिन वहीं पर राकेश टिकैत की कमाई आप देखेंगे तो महीनों में वो लाखों करोड़ों रुपये महीनों में उसकी कमाई है, लेकिन फिर भी अपने आप को किसान कहता है। बता दूं ज़्यादातर किसान 6 महीने फसल उगाते हैं और 6 महीने बेरोजगार रहते हैं। जो अपने खून से खेत सींचते हैं और दूसरे के लिए अन्न उगाते हैं। कृषि प्रधान भारत में हमारे किसानों की गरीबी किसी से छिपी नहीं है। हमने किसानों की गरीबी देखी है और हमने किसानों की अमीरी भी देखी है। कुछ लोग कहते हैं कि राकेश टिकैत के पास अगर संपत्ति है तो इसमें बुराई की क्या बात है, वो होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राकेश टिकैत के पास करोड़ों की संपत्ति है तो क्या वो किसी की जान ले सकता है? अगर उसके पास, मानते हैं अच्छी बात है कि करोड़ों रुपये उसके पास है, तो क्या वो बॉर्डर पर चक्का जाम कर देगा? क्या वो देश को बंद कर देगा? जब मर्जी जब वो रोड पर आ जाएगा
क्या यह सही है? दुनिया में, भारत में ही बात कर लें तो ऐसे ऐसे इंसान हैं कि राकेश टिकैत को अपने जूते पर रख लें और वहीं पे उसको घुमाए, लेकिन उन लोगों ने कभी भारत बंद का आह्वान नहीं किया है, उन्होंने कभी रोडें नहीं जाम की है। अगर इनको संपत्ति का घमंड है तो संपत्ति का घमंड अपने आप में रखें, उसमें मासूमों की जान क्यों ले रहे हैं? मानते हैं इतना बड़ा पावरदार है राकेश टिकैत, तभी आज लाखों किसान बॉर्डर पर उसके कहने से बैठे हुए, इसीलिए बैठे हैं। लेकिन वहीं पर जब वो ये धौंस दिखाने लगे कि वो अमीर है, वो पैसे वाला है, जो मर्जी जो करेगा, तो शायद देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि कनाडा से भी पैसा ले रहा, पाकिस्तान से भी पैसा ले रहा, चीन से भी पैसा ले रहा, और आज खुद कह सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, वो खुद नरेंद्र मोदी के सामने घुटने टेक दे रहे हैं। कभी बात करें, वही कनाडा हम लोग को पेंसिलिन दवा देता था, पेंसिलिन की दवाई 1947 में बना कर वो देता था और हम खरीदते थे, लेकिन आज का भारत आप देख लीजिए कि हम खुद उसे दवाई दे रहे हैं और खुद वो फ़ोन करके हाथ पैर जोड़कर हमसे दवा मांग रहा है। यानी कि हम कनाडा को टक्कर दे सकते हैं, हम चीन को टक्कर दे सकते हैं, पाकिस्तान को टक्कर दे सकते हैं, अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, तो राकेश टिकैत क्या चीज़ है? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उस आंदोलन में, ऐसे मासूम लोग हैं जिनके चलते ही आंदोलन आज चल रहा है, नहीं तो इन जैसे गुर्गों को पुलिस कब का टांग देती। बाकी आपकी क्या राय, आप भी कमेंट बॉक्स अपनी राय लिखिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, सच्चाई दुनिया के सामने रखिए, बने रहिए ओनली न्यूज नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें, मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के, इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें, मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के, इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।